ठीक है और बद्दी उस जमाने में मतलब समझ लो कैसी होगी एक तो वो सांवली होती है बहुत ज्यादा बॉलीवुड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और उसकी चोटी टेढ़ी होती है ऐसे ऊपर की तरफ अपने आप में उसमें कुछ क्रीपर लगा रखा हो तो फिर उसे दूर वूर भगाता रहता है उससे बात नहीं करता काल यूं कहता ये एक सिम्बालिक बात है कुत्ते की पूछी तो नहीं हो सकती कभी ये कॉमेंट मैंने समर की तरफ से मारा है भाई ये कॉमेंट मैंने समर की तरफ से मारा है

क्योंकि उसने क्योंकि उसने लगा लिया भाई वो भी शाहरुख खान मुझे रात को जो बालों वाला आदमी आया था जो, था। <laughs> जो मेरे कंबल में लेटा था वो कौन था मेरे को लगा मेरे को लगा कि वो अक्स है बाद में पता लगा वो तो नम्र था भाई यार मेरे और अक्स की बॉडी साइज में बहुत फर्क है यार लग जाएगा अंधेरे की बात है भाई वेरिएशंस ऑफ डैड बॉडी है वो सारी <laughs> और अल्फा मैन अल्फा मैन आप बताइए कार्निवोर भाई वी गेट इट वी गेट इट भाई भाई हमें इसके लिए एक लेबल सोचना पड़ेगा भाई मासासुर मैं <laughs> <laughs> ये पूरी कन्वर्सेशन वन लाइनर्स है दो घंटे के वन लाइनर ए मासासुर जाओ आदमी का मीट खाओ ए ए भाई ए ए भाई क्या चल रहा है

क्या हो भाई किसी ने गुजरी में कर रखा है तीन बार कैंसिल कुछ नहीं कर पाया मेरे को भाई नहीं वो भाई यही है 2023 का ट्रेंड भाई चौथे बार कैंसिल हो और गंजा वजह वाले कांट हर्ट मी

वो इमोशनल था सारा कुछ <laughs> नहीं ब्रो बट आई टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली मेरे को लगता है दोनों एक्सट्रीम्स पे प्रॉब्लम है डिप्रेशन को लेके राइट लाइक आई आई बीन लकी व्हेन आई वाज इन डिप्रेशन व्हेन आई कॉल्ड अप माय फैमिली टू टेल देम आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस द साइकोलॉजिस्ट इज डायग्नोज मी विद डिप्रेशन और डिप्रेसिव एपिसोड दे लाइक ठीक है क्या करना है राइट बट अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स लाइक पागल है लाइक जा ये बेटर राइट बट मेरा डिप्रेशन सॉल्व हुआ On the feminine side of things, I mm -hmm. had to accept my situation more huh. than go out and do something else, mm -hmm. right? Uh. My depression was on the opposite side of the spectrum because I remember I went to Vipassana at the peak of my depression. I booked it earlier. Vipassana. I'm thinking about why this is the case. I come out and I feel like I'm mm. fine, but I was still. I remember waking up in Chicago in a motel room, pe hue. Just crying, crying, bawling. And finally, I was like, "Bro, how long And that is where the journey began. This is 2019. प्रखर के प्रवचन एट है लास्ट टाइम अमेरिकन फ्रेन को घुमा था वॉज राइट बिफोर दैट तो एट दिन स्टार्ट एक्सेप्टिंग सो आई थिंक दॉब्लम्स बोथ बिकॉज द अदर साइडम इज यू आर सपोज टू डू एक्स इन फ्रंट ऑफ यू बट यूर स्टू आर लेजी यू आर टू टायर्ड बिकॉज यू डोट इट प्रॉपरली यू डोट डू न्यूट्रेशन वेल एंड राइट तो कर बिकॉज

लेवल्स ऑफ एनर्जी टोनी रॉबिन्स की हैं है, है, उनकी 120 होती है दो सौ होती है, है, like, है सात सौ होती है इट इट्स आई डोंट आई डोट लाइक इट इधर इट्स इट इट इट्सेंट में

दो हजार सत्रह के अंदर हम लोग हिमालय में जाते हैं कहीं ट्रिप पे <laughs> मैं ये और प्रखर तीनों पावर ऑफ नाउ पढ़ रहे हैं कितने गए हैं यार <laughs> मेरे को याद है अक्सर पावर ऑफ नाउ पढ़ के मेडिटेट कर रहा था मैंने बोला सबके पर्पज डिफीट हो गए इसी वक्त सब आया जाओ यहीं पे, भाई जाओ। मैंने, मैंने पावर ऑफ नाउ पढ़ी और मैं डिप्रेशन में आ गया मजाक <laughs> <smilli> <सारी> नहीं कर रहा मेरा इतना इतना बैड एपिसोड चल रहा था उस टाइम में गोइंग टू ब्रेकअप और उसने बोला कि अभी भी खो, खो जाओ अभी भी खो जाओ जा उस ब्रेकअप में खोता चला गया खोता चला गया उस टाइम पे एक्शन लेना है ना उस टाइम पे उल्टी चीज करनी है नॉन मेडिटेटिव एक्टिव एंडेवर लेना है उस टाइम पे मेरे को आई डिडंट हैव टू लाइक गो इनटू द नाउ डेल्व इनटू द नाउ डेल्व इनटू द नाउ वो बिल्कुल नथिंगनेस थी वो ब्रेकअप्स के साथ ऑलवेज द सॉल्यूशन इज ट्रांसफॉर्मेशन अब जिम जा भाई अब जिम जा बॉडी बना ये और भाई सुपरमैन सुन इंस्टाग्राम हाँ। ये ये like, on जिनका काम ये होता है कि तुम्हें एनलाइटन अच्छे एथिकल तरीके से ब्रेकअप से पार कराएं फिर मैंने देखा हर इंसान का अपना तरीका होता है बहुत सारी जो समाज टॉक्सिक बोलती है ना जैसे गंदे गाने सुनना और बोलना तो गंदी औरत थी ये सब

Why how is. is it, how is monogamy evolutionary? Why the hell. Wh bro, con. Evolutionary are you saying in biological terms? Why is strictly culture not biological? Culture not biologically. Huh? Culture is not biological? Bro, where the hell. So, this is this is an understanding that changed for me after I went down the evolutionary biology route pretty hard, which is humans have extended phenotypes. They a beavers build dam, it's purely biological, beavers building dam. They have mm -hmm. no other information except mm -hmm. biological information. Mm -hmm. Humans use, use language, art, symbols which is the basis of culture and culture is a way of sustaining civilization. Just like beaver dams are a way of sustaining beaver civilizations. And in the same vein of thought, monogamy is as evolutionary as polygamy is. First of all, secondly, the argument that we're the closest to bonobos is completely undiscernible from the argument that we're very close to chimpanzees, in which case we should go to war and murder <coughs> everybody and then die. Every but that we are closest to chimps and gorillas, right? So we base our entire

100%. at any point of time yeah, yeah. So, bro all systems all systems work because of leakages balloons remain consistent in their constitution because there is some amount of air being leaked constantly the yin and the yang go mm. together so systems so we have system. to see like how much dysfunction it there was right, and polygamy yeah. maybe yeah. so i'll tell you an example okay? mm. i have a friend who's polygamous i met them at some point right openly polygamous um, they call themselves a variety of sexual philosopher right that's their job profile i wouldn't give them a because for whatever reason right

री कॉम रिलेशनशिप विद हज को फाउंडर लाइक एक और बंदी थी सीनर ठीक है एंड समर चेक दोनों के साथ साथ में बर्बाद थी एंड देन वो क्या करता था उसका रिलेशनशिप मेल्टाउन होगा रिलिटरीली और ईमेल में भेज रहा है कि मेरी माँ चुरी है लेकिन मैं हिल कर, कर रहा हूं उसका ऑडियो पॉडकास्ट है जहां वो डिस्क्राइब कर रहा है

कल मेरे को उठ के कहीं काम पे जाना है भाई बात ऐसा कैसे होता है कि एक एज के बाद सारे आदमी बोलते हैं हमारा मिशन हमारी ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है भाई जब यार एक तो यू लिव अंडर द शैडो ऑफ वेरी सक्सेसफुल मेन अराउंड यू स्पेशली इफ आर अस ऑल थ्री ऑफ अस राइट यू आर सराउंडेड बाय मेन दैट आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ यू आर इंस्पायर्ड बाई मैन दट है लाइफ टू प्रोवाइड फॉर यू इन वट एवर लिटिल कैपैसिटी योर अंकल योर फादर योर फ्रेंड्स फादर सो ऑन एंड सो फोर्थ टू यू बिगिन टू रिकग्नाइज वेरी क्विकली दट रिस्पांसिबिलिटीज विल कम एंड दिस इज द रीजन वाई योर क्वेश्चन एग्जिट इज बिकॉज नोबडी टॉक्स अबाउट द पेन ऑफ ग्रोइंग अप एज अ मैन एंड आई डोट वॉन्ट टू टेक अस बैक टू द लास्ट कॉन्वर्स हाँ हाँ बट माई जनरल पॉइंट इज ब्रो लोग समझते ही नहीं है ब्रो कितनी भसड़ है सारे लड़के से मर्द बनने में खत्म हो जाते हैं लोग

भाई आई मीन एक तो ऑर्गन मीट्स यूज कर रहा हूँ मैं फिर वाइटमिन सी की रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी अगर तू प्लांट फूड्स नहीं खा रहा है तो वाइटमिन सी की रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी कम हो जाती है रिक्वायर्ड डेली अलाउंसेज अच्छा बिकॉज तू कुछ भी ऐसी चीज़ खा नहीं रहा जो उससे बाइंड करके उसको ब्लड से बाहर खींच ले या फिर उसको अवेलेबल ना हो फिर वो hmm. तो, क्योंकि पक्का प्रॉपर मीट पे है सारा टाइम और तेरे को कोई स्कर्वी नहीं हुआ

हम वापस आ रहे थे और ये वो टाइम है जब पापा ने मेरे को शिवखेड़ा की यू कैन विन पढ़ानी शुरू करी थी जहाँ प्रखर के प्रवचन <laughs> का जन्म हुआ था ठीक है <laughs> मेरे को याद है मेरे पापा ने तीन चार साल के से <laughs> बोला विन बेटा करके, में हाँ। एंड में की समरी होती है स्टोरीज होती है लेसन होते पापा स्टोरी सुनाते थे मेरे को ठीक है तो उनके साथ वापस आ रहे थे उनमें जू थी फिर मेरी भी जू आई थी एक बार हुआ था तब मेरे को याद है वो वाली कंगी नहीं होती है जो शार्प होती है वो आजकल पता है क्या होती थी कि ना अगर तुम्हारा हल्का सा गंदे किसी जुआरी बच्चे से ना सर सा भी तो जू मरी है मेरे को हर बार जू मार के दिखाती थी <laughs> <जुण> गुण। <laughs> गुण। भाई, भाई, और फील होता है तुम ना नाखूनों के बीच में तोड़ते हो ऐसे बिल्कुल मारते हो और सारे जैन तड़पते हैं जब तुम ये करते हो

तुम कहीं सेकंड थर्ड आते हो आई वॉन्ट ना जस्ट बर्न द सर्टिफिकेट, लाइक वॉट्स द पॉइंट

समझ तेरी सारी का तोड़ मिल गया था राहुल पर... चावला का कंपेटेटर था ऐसा एक राहुल चावला के था, मैं का तो मतलब उन तो उनके एज ग्रुप में ही नहीं था <laughs> <laughs> तो भाई वो ऊपर जब मैं आई थॉट तू एक फ्रेश बिना अपोजिशन का एक ऐसा बंदा पैदा हुआ था मैं दुनिया से बगावत करूंगा मुझे नहीं था कि तेरे पास बिस्कार जो आदमी एथलीट होता ना वो पहले टूटता है

चैट चूट ना करा करें हम जो आजकल अमेरिकन करने लगे ना ये ये क्या जो भी उनके साइन हाँ होते हैं ऐसे हाँ ये पहले अब, ये वेदिक मैथ वाले पहले कर करके खत्म कर चुके हैं हमारी, हमारी, है। हमारी संस्कृति में सब मुझे है। लग रही है भाई, ये सारी चीज है अभी खुद ही कर लेता आपस में बात इतने यही भाई लेते और बता क्या चल रहा है

18, 81, इन्हों 27, इन्होंने क्या कर रहा है कि मत कर मैथ साले दिमाग फट जाएगा तेरा होंगे तेरे तू पास कैसे हुआ स्कूल में तेरे को याद है? के पजामे में में घूम रहा था यहां से मैथ करता हुआ दर दर की ट्यूशनों में मार खा रहा था बैंड से बाहर मोमो खाने के लिए भाई आ, नहीं ट्यूशनों की बात से आता है एक बार एक अंदर में गया था और मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा था मैथ्स में वो, और वो ऐसे सेमी प्राइवेट ट्यूशन थी यानी कि तीन चार तीन चार स्टूडेंट आते थे ठीक है और मेरी सर से लड़ाई हुई वो सर भी चड्डी नीचे करो, ये सर भाई तुमने देखा है ट्यूशन ट्यूशन में जब ट्यूशन में जब भी टीचर अपने बच्चे को टीचर बच्चे को पीटता है तो पेरेंट्स भी टीचर के सपोर्ट में आ जाते हैं और मारा करो सर <laughs> जैसे पता नहीं खुद हाथ घर पहले मार नहीं पाते अबे नहीं बेसिकली मेरे मेरा एक ट्यूटर था उसने ना मैंने कहा सर मेरे को ये नहीं पढ़ना है क्यों नहीं पढ़ना है और तो मैंने रिलाइज हुआ कि मैं मैथ्स से भी दुखी हूँ और ट्यूशन से भी दुखी हूँ मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा कैसे नहीं पढ़ोगे और वीकली टेस्ट एक हफ्ते के बाद था और बहुत इंपॉर्टेंट था वो पढ़ना नहीं तो फेल हो जाते तो फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा और मैंने रिलाज़ करा कि मैं अपने गुस्से को ना कंट्रोलेबल लेवल है ना जहाँ पे हमारे बीच में सेविलिटी बनी हुई है उससे दो पॉइंट आगे ले जा चुका हूँ पीछे जाऊंगा तो मेरे को मतलब अब तू हार गया ना फिर छोटा बनना पड़ेगा तो भाई मेरे को उसको डेलप करना पड़ा सेवेंटी में मैं उस पर चिल्लाने लगा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता और ये कर भाई अब मैं बैकआउट नहीं कर सकता मैं ट्यूशन से निकल रहा हूँ बस और भाई मैं ट्यूशन से निकल गया फिर क्रेजी मेरी एक मैथ की ट्यूशन होती थी उसमें ना दो ग्रुप थे ठीक है एक लड़कों का ग्रुप था और एक क्यूट लड़कियों का ग्रुप था

आ, उनके बच्चों का सीन ये था जो लड़का था वो बदतमीज था तो वो कई बार ना जैसे मेरे को याद है सर पढ़ा रहे होंगे वो घर पे अपनी बाइक से निकल रहा है तो कान में ना ईयरफोन निकाल के निकल रहा है तो आंटी ना जो सर की वाइफ थी वो छत से ही चप्पल मारती थी उसके सर पर अब ईयरफोन निकाल मतलब प्रॉपर ना ये वाला माहौल था काफी ठीक हाँ। है <laughs> जैसे एक बार क्या याद है मेरे को याद है शमक ट्यूशन आया और वो रोज आधा घंटा लेट आता था एक घंटे की ट्यूशन में बहुत फनी ट्यूशन थी ठीक है तो सर कहते हैं कहां थे कह रहे सर मैं ना जिम गया था सर ने थोड़ा झाड़ा बोला बैठ जा तो अब वो सॉल्व कर रहे है कहते है कौन सी कौन सा जिम जाता है तो कहता गोल्ड तो कहता ये वाला जिम जाता हूँ सर कहते गोल्ड जिम नहीं जाता कहते सर मैं गोल्ड जिम नहीं जाता वहाँ ना बहुत जाट गुजर आते हैं सर ना जाट थे और सर को शाहरुख खान वाले, की मतलब ना ना थो, वाले ना जो की इनसाइड नॉलेज थी ठीक है ऐसे माहौल ही बता रखा सर, सर के साथ हम ऐसे करते थे सर यहाँ बैठे सारे बच्चे ऐसे बैठे तो इधर वाला लड़का ना सवाल पूछता रहा सर यहाँ उड़ते उनका बिस्किट खा जाते इधर से मतलब प्रॉपर एक लेवल ऑफ की पढ़ना नहीं है और सारी बकचोदी करनी है अच्छा जैसे डांस की लगा लेते लोग क्यों उनको घर पे पेरेंट्स जान नहीं देते थे, थे, तो थे कि डांस की ट्यूशन लगाते हैं वहां पे जाके बकचोदी करते हैं बस डांस की तो क्लास होती है ट्यूशन थोड़ी होती है ट्यूशन लगाते थे सही में डांस क्लास होती है हमारे हमारे, हमारे स्कूल का टीचर उसकी ट्यूशन उसकी, उसकी चलती थी डांस की क्या बच्चे कोई सब्जेक्ट था क्या डांस नहीं

वो उसके तो अगले दिन से था यार मेरा डबल्स का जो पार्टनर था <laughs> क्या भाई तू क्या यार जोक मारने के लिए आदमी बैठ किसी भी हाँ ये हमारा ओपिनियन नहीं है भाई ये हमारा ओपिनियन नहीं है एक एक गाइस एक ओपनिंग मिली मैंने ले ली गाइस मुझे माफ करो तो हम बैठे हुए हैं रात को हम अपने डबल्स का मैच हार गए हैं डबल्स का मैच हार गए दुख दुख में अब तेरा जोक वैलिडेट हो गया हाथ मिला दे इस बात पे अब तेरा जोक वैलिडेट कैसा लगता है डबल्स का मैच हार के <laughs> यार अरे भी नंबर ओए ओए इतने बड़े अल्फा के मतलब ओए ओए इतने बड़े अल्फा के बदले तो, ओए तो तो डबल्स का मैच हार गए हम और उसके बाद बैठ के बैठे हुए हैं रूम में काफी सारे और लोग शराब पी रहे हैं तो मैं उठ के चले जाता हूँ जल्दी तो नहीं। क्या तो, गंदी तो, चल रही है मेरा जो वो बंदा है दूसरा वो पूरे सुबह तक शराब पीता है पूरे सुबह तक सुबह मैं 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 हॉल पर पहुंचा हूं और मैं उसे कॉल कर रहा हूँ कि तेरे मैच की अनाउंसमेंट हो रही है तू कहां पे है वो आठ बजे बैठ के पी रहा है अभी भी <laughs> वो उठ के आ जाता है यहां पे इतनी दूर से मतलब यहां से दूर, इतना दूर है ना इतनी दूर मुझे दहाड़ आ रही है इसके मुंह से इतनी गंदी वो बिल्कुल शराब हाँ, की मैं समझ पांच सौ रुपए वही आ रही है और वो बंदा मैच खेलता है क्वालिफाइंग मैच भी नहीं है वो वो प्रॉपर मेन ड्रॉ का मैच है और <laughs> उसका सीडेड मैच है सीडेड बंदे के साथ है वो जाता है खेलता है जीत के वापस आ जाता है पूरी रात नहीं सोया पूरी रात शराब पिए सिगरेट पिए और फिर गया है रियली really मैटर मतलब परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा <laughs> मतलब शॉर्ट रन में परफॉर्मेंस इतनी मैटर नहीं करती शॉर्ट रन में, में काफी बल्कि आई मीन आई मीन सिगरेट्स हेल्प शॉर्ट रन में वाई एंग्जाइटी और ये सब जो लोग बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट होते हैं ना

मैं मैं स्मैश मारता हूं और ऑपोजिट ऑपोजिट टीम जस्ट नॉट हेल्पिंग मेंस डबल्स में स्मैश <laughs> <मारता laughs> <थे> क्या हुआ <laughs> <चलावा>! <laughs> <laughs> पता हुआ <पता पता> तो <laughs> भाई सर कौन कर रहा था <laughs> तो ये होता है hmm. और वो वो उसको ड्राइव मारते हैं ऑपोजिट कॉर्नर पे तो ऑपोजिट कॉर्नर में मुझे स्विच करके और भाग के जल्दी से वो ड्राइव को रिट्रीव करना है अपने बैक हैंड से तो मैं बैक हैंड से रिट्रीव करते गिर जाता हूँ कोर्ट पे oh. टम्बल कर जाता हूँ पूरा हॉल हंस रहा है पूरा हॉल हंस रहा है मैच शुरू हुआ है और ये मेरे नाइन uh, मेन्स uh, का फर्स्ट वो है फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट खेल रहा हूं मैं ये <coughs> और मेरा फर्स्ट मैच फर्स्ट टूर्नामेंट सीडेड बंदे हैं जो दूसरे हैं और मैं ऐसे पढ़ा वहां पे पूरा हॉल हंस रहा है इमेंस प्रेशर उसके बाद hmm.

actually have to build in yourself that i love pressure i like this now i mm -hmm. like this now or just like get just say, i know with the, um with chess the thing is bro if you lose you lose you got outclassed you got outplayed full stop right like bakchodi kitni bhi lo banter kitna bhi lo fact of the matter is you got intellectually muscled out

राइट एंड यूर प्लेइंग टोर्नामेंट्स दैट गर्थ लाइक कि यहाँ पे जीतना आई कुड हैव नेशनल मेडल आई हैव अ रेटिंग इंटरनेशनली आई कुड गेट दिस मच वट एवर मैन द प्रेशर इज सो इंटेंस एंड थिंग दैट कुड हेल्प मी इज जीरो इन द गेम ये रहा बोर्ड इसके बियॉन्ड जिंदगी एग्जिस्ट नहीं करती बट hmm. तो नहीं तो लगता मतलब चेस में इट स्टिल वेरी माई होपिक यूज येन

दूर की डॉटसन मॉडल फिनमिना ऐसे करके वाई आर के ई एस डी ओ डी एस एन ठीक है दंडर प्रेशर इफ यूर डूइंग समथिंग दैट यू आर नॉट गुड एट यू डू वर्स इफ यूर गुड एट यू डू बेटर इन सो वन यू एन आई गो एंड स्पीक एट कॉलेज इज राइट नाउ प्रेर सिमिलर वॉल गैब बिकॉज वी आर गुड एट गैबिंग पर बहुत मजे आते हैं इवन देन उसके अंदर भी लाइक आई सर्वाइव टू द लास्ट द सेकंड वन गोल्डन लोग मेरे को आगे बोल रहे हैं ब्रो क्या पैनल करा है तू ने लाइक आई कैन नेवर फील द सेम हाई पॉडकास्टिंग बट प्रैक्टिस यूर सो मच नाउट देर सर प्रेशर मेरी बातों से भी मेरे को लोगों को बांध के रखना है नो वन गैट देर सीट्स I also have to make them interact, have them ask questions. Infinite laugh. equations in your head. Yeah. Infinite, and that's why live streams are so palatable for me. Because mm. if I I'm not opposed to it. But when I'm live streaming, the pressure's there, and I know it, and it's so much fun. But what does the chat affect you? If I see too much stimulus, I get carried away. I'm not able to make, make my point because a random things How do you filter through that? Uh, um, I think was zero in in sense me. you have to zero in actually at that point. You have focus on one thing. But what, what, what was happening with you was either six stimuli, either six stimuli, either sex stimuli. First of all, the panel was okay because I didn't prepare for it at all. It just happened to me. I just like gone through it. Hmm, hmm, That's hmm, it. Hmm. The second one, I prepared my questions, my themes. I decided that I'm going to have a funny tone. I'm going to them, ask them these questions. I'm going panel have

This is a question. I don't care because ne How can I? It's a puzzle in my head that words will solve. Huh. Right? I'm nerdy like that. Let's say I'm playing chess with words in that moment. So I'm just fixing up a position. I'm like bishop here, yeah, knight here, yeah, yeah. like it's almost like that happening for me. So I'll also not look at the screen at that point. When I look away, I'm legitimately constructing a sentence out of my ass. That should make sense. And the only feeling I'm tracing is, does this feel right? Does this fit? Does this fit? It's a very subtle feeling at the center of me.

and you have to be fair to all sides. so for that that for me was where i built the muscle of being able to speak for hours without it not making sense. this is how i did it with live streams, right? Uh. Um, there is a lot of factors that affect you, particularly live streamers of my variety, to gaming bro, center of focus, game at right? Mere uh -huh. usme main us screen pe. but even then, <coughs> when I realized kar, i did two or three gaming streams. Jahan pe meri personality, sa shuru ho because

न जस्ट हैचुअल विद पीपल लाइक तुम्हारा ऐसे वो क्या होता है तुम्हें लगता है प्रेशर बन रहा है बहुत ज्यादा बन रहा है और ज्यादा बन रहा है हाउ यू रिलीज टेंशन आप तो करते हाफ तो आर वर्ड करते हो चाकू

गया भाई। भाई है तू कल पटाऊंगा तेरे तेरे को। घर में मास भेज रहा हूं। <laughs> नहीं बट रियल, रियल। मेरे तो बहुत लेट आता है। मैं 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 देख ऑकवर्ड 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 सिचुएशन ऐसे कैसे होती है और कुछ सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो जाती है ऐसे होता है बिल्कुल अरे इट्स मोर लाइक होते जब तू ऐसी बातें करता है ना हम भी बोलते हैं जो क्या बोल दिया लिख लो यहां से भाई नहीं ऐसे तो बिल्कुल नहीं लगता भाई क्या बात कर रहा है पूरा 2016 और फिल्ड विद ओनली समर सेइंग थिंग्स यू शुड नॉट से ब्रो नहीं 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 ब्रो ऐसी बात नहीं है आई 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 एंजॉयड समर डूइंग थिंग्स आई स्टिल थिंक दैट यू आर सच अ वियर्ड गाय ब्रो आई कांट बिलीव यू आर अलाइव ब्रो आई डोंट थिंक दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू यू I know मतलब कि ऐसा जैसे होता ना कि हम सबकी भी होती है लेकिन हम सब भी जमाने से कहीं ना कहीं रम जाते हैं हम क्रिएटर बन जाते हैं पॉडकास्टर बन जाते हैं कम करते हैं थोड़ा यार काम वाम कर लेते हैं लेकिन तू आज भी अपनी बक्चौदी में पूरा है <laughs> <laughs> भाई यार आदमी अपने दोस्तों को कैसे डिस्क्राइब करता है भाई <laughs> क्या टेंशन पकड़ता है भाई तू आदमी अपनी बक्चौदी में पूरा है भाई साहब बहुत बढ़िया सो बटे सो भाई साहब सो बटे सौ है मैच मैच ना कर सकूं आप आपका की है, भाई साहब

मतलब या तो वो बिल्कुल सीरियस एटीट्यूड वाले ही हैं तो चाहिए उनको सीरियस ही बट हम यहाँ पे एक्टिवली देखते हैं कि हम हम वी वी, वी ट्राई टू तो गेट इन्स कि थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं टेंशन हाँ। रिलीज हो जाए थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी पता चल जाए आई सीन पर्टिकुलरली ऐसे लोग ना जो मतलब अगर तुम दिल्ली के आसपास हो कहीं पर भी हो जो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं उनको हिंदी बोलनी आती है पर्टिकुलरली ऐसे लोग और वो तुमसे सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं ना नॉन्टॉप जबकि उनको हिंदी बोलनी आती है उसके अंदर मैंने एक चीज देखी है यू बी द

पूरे टेक्टोनिक शिफ्ट आए कि वी वी हैव टू बी रियल <laughs> <laughs> समझ में नहीं हंस रहे हम किसी और बात में हंस रहे हैं एक रिलेशन किया था रौक के साथ वो, भी आया नहीं है, अभी तक नहीं आया वो बहुत अच्छे से उसको, मतलब उनका बैंक होता है प्रॉपर वो लोग सिस्टमेटिक लोग है हमारी तरह नहीं है ठीक है हम तो क्या तो ट्रेडमिल ट्रेडमिले भाग रहे मर जाएंगे एक ठीक है तो रौनक के साथ जो मैंने वो किया ना उसमें मैंने एक चीज रियलाइज करी की मेरे मन में बहुत जोक्स से

They're like, yeah, I'm very crazy about this. I don't have to go hard at that. I was like, I can tell. And it'll kind of be funny, right? It'll kind <laughs> of be funny. <smiley. laughs> and you're slowly going in there. It's like, how can you tell? And then you tell them how I can tell, right? Yeah, and you crack yeah, yeah. a joke about it. Um, so a little bit of jokes are truth telling. A little bit of that is showing what was predictable without it being predictable. Hmm. But you're never thinking about it. I had to acquire wit in English, jokes, and humor in English from scratch.

अ क्रेजी स्टोरी कॉम्पेसेट्स फॉर लैक ऑफ पंचज और लाइक लैक ऑफ कि मैं उसमें क्लेवर एक विटी बात बोलूँफ इफ द स्टोरी इज क्रेजी बिकॉज दैट्स योर बेस्ट मैकेजम लाइक यू कैन टेल ऑल द क्रेजी थिंग्स यू डन एंड यू वेड लिसन विद रैप टेंशन पर अगर तुम सेम जो क्रैक करने की कोशिश करो जो कमेडियन कर रहे हैं नैचुरल फनी गाय कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर यू कै नॉट लूज

तेरे को कंटिन्यूअसली देखना है मैं बात उल्टी कैसे कर सकता हूं अगर तूने वो क्रैक कर लिया ना तो तू कभी भी जोक्स क्रैक कर सकता है आई थिंक think...

बट हम ना जिस तरह के देहात कल्चर से आते हैं ना हम डिजर्व नहीं करते अपनी हमारे में पे और विदेशी ना मिला हुआ है हाँ तो हम आई थिंक हमारे लोग डिजर्व करेंगे लेकिन जो और जनता है ना वो स्कैंडलाइज हो जाएगी लाइक इट्स वर्स देन मिर्जापुर आई जनरली बिलीव आई सीन बिलव फेसबुक वॉच पे क्लिप्स देखी है मैंने ऐसा ठीक ठीक है इट्स नॉट

कुछ फिगर आउट करना है या तो कोई अच्छा आर्ट फॉर्म डिस्कवर करना है जहां पे मैं ये कंसिडेंशियल कर सकता हूँ बिकॉज नेचुरल मेरा वो होता है प्रोगेटिव सबसे गंदी बात बोलना सबसे बार सबसे ज्यादा बार बोलना बदतमीजी करना चाकू निकाल के <laughs> तेरा मन पता है एक दिन मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ जैसे इसके सारे पॉडकास्ट गेस्ट यहाँ पड़े होंगे उन सबके पेटों में छेद लगे होंगे चाकू मार मार के इसने खंजर दे रखा होगा भाई सब <laughs> नहीं आई आई वॉन्ट डू इट ग्रेसफुली सो दैट द सुअर वर्ड और द हर्टफुल थिंग दैट इज फनी हैज मीनिंग

ये कॉमन हिस्ट्री बता ले अपनी बताएगा सिर्फ हाँ, नहीं मेरे को नहीं पता ना और लड़का ऐसे आता है और हाय बोलता है हमारी दोस्त को और हमारी दोस्त उससे बात करने ही वाली है इतने में प्रखर आ जाता है बीच में, <laughs> में। प्रखर कहता है कि <laughs> <laughs> प्रखर कहते थे उससे बात करनी है तो मुझे मैं इसका पापा तो मुझे डैडी बोलना पड़ेगा <laughs> हाँ, सीन होता है ये वो जादूगर वाला लड़का है

भाई कमीशन कोड देगा तो बोलूंगा नहीं तो काट दूंगा भाई अलग से प्रोमो डालेगा तो कमीशन कोड दूंगा कर ले आजा मेरे साथ गेम टू डोमी डा थैंक भाई

सेंटर तू वीगन है तू तो वीगन है बाहर निकल यहाँ से तू बेरफोट नहीं चलती <laughs> <laughs> तो तो सब ऐसे वक्त बकचोदी कर रहे हैं और बकचोदी करते थे हम वी जस्ट लाइक डूइंग सम रैंडम एंथम शाउट्स और ये सब तो पहले दो तीन नॉवल होती है ये समर हाउस समर हाउस सारे कर रहे हैं ये समर हाउस फिर बीच में प्रखर ही सब देख रहे होते हुए उससे रहा नहीं जा रहा कि एक सब कैसे चल रही है प्रखर बीच में कूदता है और कहता है, है? साइड मैंने देखा दारू पिए हुए लोगों को जो मजे में कुछ बोलो हम क्या है पागल 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 लोग करते हैं भाई लोग पागल हैं भाई तू तो अगर दारू वाली बात नहीं करता आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का प्रोमो मारता है यहाँ पे बड़ी है बहुत रियल बात है। भाई याद दिला दिया मेरे को <laughs> भाई ये आ, मेरे को एक और बात याद है एक बार हमने समर हाउस में हमारे दो रैपर दो हिंदी में करता रहा अंग्रेजी में करता रहा है उस है उनका बिठाए मैंने, मैंने वो पहली बार मिले थे रैप करवा दिया लड़ाई करवा दी भाई आई वो कहानी मैंने कराई थी

हम हम गए गए में और उधर 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 हमें उदर हमें ने ने ना बाहर खड़ा कर दिया कि तुम नहीं जाओगे हो गये, गये, भाई और हमारे तो तो मेरे को, मेरे, को, मेरे दोस्त साढ़े ग्यारह पूछा डेढ़ बजे हमारा जो जैक था तो नहीं चला वहाँ पे तो हम बाहर खड़े हुए हैं और हम अपनी सारी आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन वहाँ पे ये जो भी है सब यूज कर रहे थैंक यू फॉर फिर तो फिर उसके बाद होता गया कि वो बंदा वो बंदा बंदा इतना बदतमीज है वो, हर बात पे वो दरवाजा मुंह पे भेड़ता है और दो तीन बंदे आसपास खड़े होते तो हैं उसको बाहर धक्के देता है।, भाई पता है बड़े से बड़े लड़कियां लड़के जो भी है सब ऐसे घसीट के बाहर गुड टाइम्स का ऐसे कर रहा है धक धक आ रहा है उसको भी एंट्री नहीं मिल रही लोग मतलब लिटरली

और होता क्या है कि वो ना हम हम चार लोग खड़े हैं बाहर मैं विनम्र और दो लड़कियाँ खड़ी हैं और वो ग्रुपिंग बनाता है ऐसे कि तुम दो लड़कियों को मैं पहले भेज देता हूँ और फिर बाद में इन दो लड़कों को भेज दूंगा और हमने सब ने प्लान किया होता कि हम चार लोग मिलके के पाँच सौ रुपये देंगे उनको और वो कह रहे कि दो लड़कियों को फ्री में भेज दूंगा तुम दो लड़कियाँ पाँच सौ रुपये भी तुम दो

पर आए हो तुम अंदर से बाहर आ रहे हो तुम सर हो तो वो क्या करता था वो एक हाथों से लिटरली ऐसे कोई भी होगा ना सी यो तो पीपल ट्राई टू तो गैरेंट ऐसे अपनी पूरी कलाई पूरा हाथ पूरा आम उनके मुंह पे ऐसे रखेगा कि कुछ आए कुछ भी हो जाए पूरी बॉडी देगा और जो अंदर से लोग आ रहे हैं ना उनको ऐसे सर आप बस आप मेरा मुंह खोले और आप मेरे ले लो अंदर वाले लोग ऐसे भगवान है और जो तो बाहर बैठे हैं वो अभी तक घुसे नहीं है दिल्ली क्लब कल्चर डिस्क्राइब विनम्र भी अंदर घुस रहा था मतलब वहा पे कि अरे भैया जानता था पीछे से लोग बोल रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ है इंडिया आर्ट फेयर वाले बोल रहे हैं हमारे साथ है फिर भी नहीं जाने दे रहा वो तो ये अंदर घुसने लग गया वहां से उसने इसको पीछे से टक करके पकड़ा और यू उठा के और यू साइड में रख दिया लिटरली ब्रो मेरे को और मैं बोल रहा हूं, भाई तू तेरी डाइजेस्ट कैसे करी ये बात पांच सौ की बात कर रखी थी उससे मैं समझ गया था कि ये पांच से ही जाएगा अगर वो सिर्फ ये वाली बात होती ना, हमारी दिक्रो हाँ. हाँ, हाँ, तो like क्या वहां पे समर क्रास मैं say, समर चल दो लड़के साथ नाचते हैं नो बट अनु पर ब्रो गाना वजा तेरा फेक दर, दिल चीचा दर, भाई हर माइका लाल जाता है वो आर्ट का हो या ना देर एंटायर सर्किट इन डेली एक्सेस इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड आर्ट गैलरी ओपनिंग एंड नॉट एंड नॉट नॉट दिसरिंग यू डोट हेट लुक आउट ऑफ प्लेस दो

And then the artist is right there. Huh. So he asks the artist to explain. This is right, like, what is the concept behind it? Because he wants to show to his friends why he's so fond of this art. Huh. And this woman begins explaining her art. And in my head, I'm like, fraud concept, fraud concept, fraud concept. <laughs> fraud concept, <laughs> It just dude, looked dude, like it was a concept, which was a concept. <laughs> the, concept tha na. Huh. the art itself, aesthetically, visually, great, brilliant. The explainer planter. was a BT. Explain the explanation, the why, where this person was inspired from, fraud concept. Right? Hmm. To me. Okay, whatever. So I'm looking at him like fraud I was in toilet and Yeah, bro. And then I'm like, like yeah, I went to, I went to this yeah, place, yeah, yeah, that yeah, place. You the know, in, in, so in the nice. depth of my despair, a song came to me and it said, <laughs> Vanna, you have to paint this. Right? Anyway. So this person is explaining and I'm like, okay, fraud concept, fraud concept. Like in my head, I'm repeating. I know I shouldn't say this right now because this will be awkward. And then I say a variation of that. I'm like, <laughs> like I, I, I as <laughs> अमेरिका <laughs> <America>, पढ़ता मैं <laughs> फरीदाबाद से हूँ मैं <laughs> तो पड़ेगा ही सुनना तो मैंने ना आए इन अ लोअर वॉइस आई से समथिंग लाइक बट दिस गाइस डोंट इवन लुक इंडियन द द पेंटिंग्स दैट दे पेंटेड राइट बट आई नो नॉट टू दिस पर्सन टू माय फ्रेंड्स राइट एंड देन शमक स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी शमक बीइंग शमक इज लाइक पर तू साउथ इंडिया जाना

और और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था क्या है, जो क्या है ऐसे ऐसे दिल्ली में कल्चर आ गया बोलता ना कि बात करता हूं। I swear, पीछे तीन चार खड़े थे और वो ऐसे थे वो देख रहे खून की आंखों से पर हम बहुत सारे थे no, bro, उस रात को भाई एक ना इसने कोई बात बोली एक लड़का ना यूं कर रहा है

वो सलमान खान के सामने भी एक ही आदमी जहां सबकी फट जाती है ना वो तब भी ऐसे ही बात करता है और वो कहीं और भी है ना फॉलो करा बिग बॉस नहीं यार क्लिप्स देखी है मैंने समझने के लिए एमसी स्टैंड बिकॉज उसकी जो फॉलोइंग है ना ब्रो आई थिंक सबसे ज्यादा रैप में किसी की फॉलोइंग है तो एमसी स्टैंड की है बीट्स डिवाइन ऑल्सो ब्रो डिवाइन के नंबर ज्यादा होंगे जो कल्टिशनेस है ना हा 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 एमसी स्टैंड बीट एवरीबडी स्टिल द कल्टिश मेन स्ट्रीम रैपर ज नो बिटिंग हिम एंड इट इज बिकॉज ही इज सो एक मे बी आई नेवर हर्ड आई एम नॉट इन एनी सेंस डी एच एच बट द जनरल पॉइंट इज की जो तेरे को बता दें गवर्मेंट में तो नहीं है हाँ हाँ जो मेरे को पता है आई नो मेरे को बट विद हिम ब्रो आई नो मैटर वेर है इज लिटरली द सेम गायण्ड दैट गायज नॉट इवन समी फ्रॉम पुणे हीज अ गाय हुएंसडी फ्रॉम एटलांटा उसमें पुणे वाइव्स हैं बॉम्बे वाइव्स है सेम गायवरीवेयर सो आई थिंक दैट इज अ रीजन एक मैंने क्लिप देखी थी जब बच्चे सड़क पर जा रहे थे भाई स्कूल के यूनिफॉर्म में मस्ती घास्ती गाते हुए

के सारे गाने गानेसेंशली आर इधर आइटम नंबर्स ठीक है जिसमें एक आप हिंदी गाना एक टिकटॉक और रील जैसा कोई वर्ड जोड़ के आप उस पर वो बना दो या दे आर लव सॉन्ग्स दैट प्रमोट क्रश कल्चर ठीक है ये मैं मैं लेके आया हूं, या आज मैं दिल से निकालूंगा ये क्रश कल्चर का जो चुतियापा है ना दूर से प्यार, प्यार और, करने वाला और और दूसरा सूफी अप्रोप्रिएशन सूफी अप्रोप्रिए सूफी अप्रोप्रिएशन जो अखिल सचदेवा बाद में परफॉर्म कर सकता है अलग अलग मेन्यूज पे ठीक है ये तीन टाइप के गाने हैं ठीक है ले देखे जो मेरे को ये क्रश कल्चर की नरिशमेंट है ना गर्ल बेस्ट फ्रेंड वाली रील्स देखिए जो आजकल चलने लगी है नहीं नहीं आई सीन ब्रो देर सो पॉपिक अगर तू कोई भी रील बनाता है इस पर तू टाइटल गर्ल बेस्ट फ्रेंड डाल देता है ना तेरे 500 600 के व्यू तो यूं ही है तू इसी रील पे ना बस टाइटल डाल दियो जैसे वो इंस्टाग्राम टेक्स्ट आता है गर्ल बेस्ट फ्रेंड हम टीम दोस्त का सुन रहे हो ब्रो हम जिस लेवल पे ये दूर से प्यार मैं उस मन में अपनी पर्सनैलिटी बना लूंगा उसकी मेरे में क्रश है उसके लिए द वे वी प्रमोट दैट इट मेक्स सच स्टूपिड डेस्परेट वीक डिस्टोर्टेड इमेजिनेटिवली मैन And then we wonder why people don't get girlfriends and have proper relationships. And if you're off age, it's very likely that you have this image in your head and the girl is already with like some other dude. Bro, if you, I'll tell you, when men are sorted in their head, they don't f have crushes.

और उसके अंदर वो बोलता है कि मैं अब, अब, उसके जो कांड करे उसने वो अलग बात है बटी सर आई वाज अ फ्योरलेस डूर इन स्कूल किसी बंदी से मेरे को बात करनी थी ना आई वुड जस्ट से वुड वो गॉट विद मी स्ट्रेट अप ही हैड नो फ्योर फाइनली एक बंदी ने उसको एट्थ क्लास में हाँ कर दिया एंड में उसकी उसने भी झंड मार दी बट इज लाइक दाई डॉटर्स कि तुम लोग कैसे करते हो इज लाइक बेसिकली सिस्टम ऐसा होता है इन इन मिडिल स्कूल इज लाइक इफ यू लाइक अ गर्ल यू टेल योर फ्रेंड योर बेस्ट फ्रेंड टू आस्क हर बेस्ट फ्रेंड कि अगर मैं इसको प्रपोज करूं तो ये हाँ करेगी या नहीं करेगी एंड आई वेयर ब्रो एज अ अट डिड दैट ऑल द टाइम तू किड की बात कर रहा है ब्रो आई नो अ फ्रेंड बोथ ऑफ अस नो ठीक है बैक इन अमेरिका जिसकी अब शादी हो गई है और जिस hmm. बंदी से शादी हुई थी ना दैट रिलेशनशिप गॉट नेगोशिएटेड लाइक दिस वेयर हर बेस्ट फ्रेंड वॉकड अप टू मी टू से डज ही लाइक हर एंड आई एन लाइक वेट शी लाइक्स हिम टू एंड आई लाइक दिस इज सो मिडिल स्कूल गो टॉक टू इच अदर यूर हैंंगउट ऑल टेल हर हे यू आर सो इंटरेस्टिंग आई लाइक यू

उसमें लिखा हुआ है नो no, और बंदी थप्पड़ मार रही है और उसमें इनसेवर इट इज द पॉइंट इज लाइक यू थिंक ओके दिस इज स्टिल मैन आर्ग्यूमेंट यू नो फॉर लाइक अप्रोचिंग अप्रोच करो कोई दिक्कत नहीं होगा वर्स केस नो है उसको यूज करके टू प्रोपेट द फैक्ट दैट You have a problem saying hi to someone. Usko you they made a meme and it's far more viral than anyone. And else. they're saying it's justified. Yeah, it's justified. It's justified to not go and approach, and to not take that risk, to not move and forward. These are the men that get radicalized poorly by guys like Andrew Tate. Oh, these are the men God. that become women-hater because they've never had a conversation with a woman. So, I'm not surprised where you start feeling like, oh, all women are bad. They're not. You just do not know how to talk to them, bro. Now, recently, Jordan Peterson has a clip. <coughs> And, you know...

You're always hiding, oh, I have this. Like, I remember the first time I liked a girl in high school, right? I had a crush on her. I had a whole personality in my head built up for her. I remember speaking to her and fainting. And I wished that luck upon nobody else in my life. Why the fuck would you feel that way? Mm -hmm. It's a human being. And nobody tells men that this is how the conversations of this nature go. I think in high school, you just put girls on such a big pedestal that some recover because that's that's how you learn it and right? even high school mein jo, the guys who are good they get a false notion again ki main, i'm so good when they yeah. actually go out somewhere else wo, it just breaks completely most guys and that most peak in high school do not go past that most guys that yeah. i think the best time to peak and if this is any kuki majority hamari audiences yeah if you did not peak in high school there is good news for you yeah. you're going to win in life if you try hard enough you can be a semi-cool kid you can be like in some debate societies but yeah. if you're like the stud high school scud bro दो तीन बार ऐसा सीन हुआ उसके बाद ना तेरे को काम करने की जरूरत नहीं बिकॉज तेरे पास अब ऑलरेडी है दूसरे चल रहा है वो hmm. जब रियल सामने आता, बोलता भाई, मैं क्या करूँ ट्रू में वही इको right? है और वो इतना फ्रॉड है एवरी वन इज सपोर्टेड बाई देर पेरेंट्स ये वो द रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट रियल वर्ल्ड वर्क फॉर योर सेल्फ वो भी एक एलिमेंट आ गया कि ना यू मे अर वहाँ पे हिस्टोरिकल है ठीक है मैं सिक्स क्लास में फुटबॉल टीम कैप्टन था बट दट इज नॉट लास्ट इन द वर्ल्ड स्कूल पोस्ट कॉलेज सिस्टम तू कुछ भी रहा एक भाड़ में जा मुझे सुहा था वीट इज रेसिपीज एवर रीड एवर रेड फ्रॉम ग्रेजुएटेड कॉलेजेंट स्टिलो पॉइंट इन दैट आई रिमेंबर

Because I work hard, I'm doing better, and that's a good good feeling to have. You don't want to change that. You don't want to be like he. Meet someone five years later, like bro. I stopped working hard like five years ago, and now you're better off. You were the nerd in school, but you. Paul Graham has insane writing on this. Hackers and painters. Hackers and painters. Wali hackers and ha, painters ha, shirume, where he talks about why nerds win. Bro, you know what it says? It's like the nerd will do whatever it takes to get the girl. But he will never trade his smartness to get the girl. Because nerds understand mm, I've something. Heard about this. Huh? Bro, Bro if you've not read legendary. this. legendary. I'm coordination I'm lanky as fuck. It's not about girls, it's about being cool. Yeah, Nerds will never trade being smart for being cool. That is what separates nerds and they win in the long run. Yeah, That's yeah, the yeah, point yeah, he yeah. makes. Yep. Because...

rarely happens rarely happens we always go for in school in school in school in Num school being smart is punished yeah yeah if you are like agarthinsulogatamarebhjendar and you are smart you can be debate society head or whatever like do some sports and like talk to one girl you'll still go to number seven bro you'll never be number one because the number one guy is just perfectly rounded because being cool is a full-time job being cool is

If if you are cool in school, you got a job as a club promoter, no problem at all. Yep, yep. Everyone else, you're fucked. Yep, 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 yep. I don't think like I am genuinely happy I was not thinking about like I did not have the words to articulate coolness. Hmm. Like instincts, I in school play, maybe outlets. Nerdy tha, mm -hmm. And all of them paid back. All of them paid back with millions. They always do. Because I remember once I started getting drifted off from school, my in school, neha, I met you.

Right. Because yeah, yeah. you figured out that there is an alternate way to exist, which is outside this mainstream IIT, IIM culture, which is supposedly cool after, right? Mm. So there is a certain way in which real hackers, and he's talking about hackers in that book at that point, right? Mm. Nerds are real hackers, bro. They hack social systems very well. You've, you've got to be aware and alive for that. You've got to have the tools to yeah. be able to do that. You can be a part of conversation. You can be a nerd. Then you realize, bro, at 25, I gotta be fit. Then you make a startup.

Plus like था विच इज लाइक अगर दस अगर वन टू टेन का ना तो वो नंबर चार तीन पे आता है ठीक है नंबर वन पे समस्ता है वर्ल्ड विन स्कूल करेक्ट तू मानता है बात ग्लोरी स्पोर्ट्स ग्लोरी स्पोर्ट्स तू एक एथलीट था डिड यू नॉट गेट ऑल ऑफ दैट ओके आई हैव अ थ्योरी विद दैट बिकॉज आई एंटिसिपेटेड द क्वेश्चन आई थिंक पार्ट ऑफ द बैडमिंटन वॉज नॉट अ ग्लोरी स्पोर्ट इन आर स्कूल फुटबॉल वॉज फुटबॉल वॉज क्रिकेट स्टॉप बींग द केस बट क्रिकेट इनकॉन्सिक्वेंशल होता है यू जब हमारे स्कूल में वेन यू डिसेंड आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड गो टू द प्ले ग्राउंड द फर्स्ट थिंग यू कम अक्रॉस इज द फुटबॉल फील्ड द बैडमिंटन कोर्ट्स आर इन अ कॉर्नर प्रॉपर यूर एंड इज डायरेक्ट स्पोर्ट्स प्लेयर इवन बैक देन आई वुड से

Right? Um, sorry, I love you. Sorry, sorry, I love you. For real. Sorry, sorry, uh, no. No. <laughs> Even Rahul, bro, who's a fairly attractive guy, could have gotten more brownie points if he was acknowledged for his athletic performance um, with the cool groups, right? Like, yeah, if anyone saw him playing, if there was a court there, if there's a tournament there. Would have worked wonders, bro. But then also the other thing is drummers were never cool. Guitarists were always cool. Always cool. The geography Singles. of bands. Singles I don't think cooler. so. Much. Like, drummers, cool hai, i drummers are cool. I love drummers, bro. I'm a yeah, big yeah, fan. Yeah, okay, okay. Then please talk about bassists Then who the fuck loves basses? Nobody loves basses. No one loves basses, yep. right? Because the job. Even is now, such, yep. Even now, only nerdy dudes will come and say, "Hey, bro, there great basis bass lines." Haan. Haan. Right? It's such a weird, like, "Hey, bro, I want to be a cinematographer." क्योंकि वो glory, सारे लोग बैकहेंड में होते हैं ड्रामर है जॉन बोनम ने अपना अलग सिस्टम बनाया बजाना शुरू करता था बट बट दी अदर गाय जॉन पॉल जो

एंड आई स्वेयर ब्रो हम लोग जाते थे दो हजार तेरह के अंदर इम्परफेक्टो के अंदर हाउस का असर होता था हम आठ बज गए घर जाना है और हम वहां जाके पोएट्री करते थे मैंने कोई पोएट्री करी थी रैडम इसने पोएट्री करी तीन चार कोरोना पी के बिकॉज दट ऑल यू कूड अफोड एट दट टाइम की बैचो बहुत बंड हो गए हम तो बड़े कॉम्प्लीकेटेड वर्ड यूज करते थे और बहुत लंबी छोटी बातें बोलते थे वन सर आउट लाउड इट्स साउंड मोर इनकोरेंट पर ऑल दिस बेसिक एस डू इज लाइक I was sad. I was depressed. Then I found a dad. Basic, chudiyaap, kuch bhi.

ज नॉट हाउ यरी योर पर्सन शायरी ऑन दी अदर शायरी ऑन द अदर हैंड आई थिंक लाइक रात इंदोरी लिस्निंग टू हाई भाई, भाई तू सुना भाई, मैं तेरा भाई हूँ आज मैं सुनूंगा के. उस, उस, क्योंकि उसके अंदर ना लिंग्विस्टिक एक्सिलेंस है प्लस यंग है, है वो स्पोकन वर्ड पोएट्री में क्या तो कैरेक्टर निकालेगा ब्रो स्कोकन और पोएट्री के अंदर क्या फेल्ड रैपर्स होते हैं स्पोकन वर्ड पोर्ड कुछ कुछ no, कुछ कहना कहना चाह चाह रहा 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 है है वो सिर्फ ऐसे से हिल रहा है कि मैं मैं पता भाई क्या नहीं मैं कुछ नहीं था समर को नशे <laughs> बैडमिंटन के नशे। बैडमिंटन ट्रॉमा मैंने इतना बैडमिंटन खेला किसी लड़की ने भाव भी नहीं दिया क्योंकि सिर्फ कोर्ट दूसरी तरफ था फील्ड के कोई आता भी नहीं था बंक मारते हुए मैंने इतनी मेहनत करी छोटी छोटी चडियों में मैंने इतने सर को सर बोला मैं इतने बच्चों के साथ छोटे छोटे कमरे शेयर किए छोटी चट्टिया सही में ट्रोमैटिक थी कॉन्सेप्ट शुरू में, शुरू में, no का भी कोई कॉन्सेप्ट था एक वो सूती सी आती थी <laughs> <होती> भाई? <laughs> भाई बहुत ही <laughs> तो अगर तू तो पुरानी बैडमिंटन की जब पुराने जमाने में खेलते हैं क्यों देखते हैं लोग पुरानी बैडमिंटन की पुलेला गोभी बैडमिंटन की प्रकरार भाई करते

And just say, like, just say your stuff, that's it. You, but you gotta be simple. You can't be like. he. But I think you're drawing inspiration from daily things that are happening. Yeah, yeah, yeah. I don't, I don't follow any poetry accounts. When I read his poem, I know exactly how he's feeling.

हम सब लोगों ने एल्गोरिथम और चीज़ में फिगर आउट करा पोएट्री आर स्टिल केट सीक्रेट राइट एज ए रिजल्ट मेजोरिटी जो मेल पोइट्स है ना सिम करते हैं बंदियों के लिए वो शी इतना यूज़ करते हैं ना अपने वर्ड्स के अंदर इट्स ऑल अबाउट द फीमेल बॉडी इट्स ऑल अबाउट उसको क्या पसंद है ये वो नेचुरल सी बातें बंदियां बोलती है मेरे को समझता है बंदा बंदे को एक मिल जाती है दस में से दैट्स इट हॉट टेक या हॉट हॉटेक रूपी पीटरसन फॉर पीटर नो ब्रो शी इज लेस रेलिवेंट नाउ No, not now. But the general point is, I think Oprah Winfrey was. Oprah Winfrey was a Joe Rogan for women. Mm. Joe Rogan was the Oprah Winfrey for men. Bro, I think whatever whatever, whatever, whatever Smitha Prakash is right now is the Oprah, Oprah Winfrey for like Indian women. Or I'm like, very fond of the podcast. Bro, I love Smitha Prakash. She's gotten everyone and their mother on the podcast effortlessly. And the conversations are good. Yeah, yeah, yeah. Seasoned journalists doing podcasts. Like she's put a benchmark. bro Us you know, baad, baad are in threat because she's a pedigree journalist, and she's doing it, bro in the right way. I'll tell you something, you know when uh, all these manager variety of um, in the content You mean world, some of our best friends. You mean I mean no, 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 our best friends are saner than that, but the manager variety will write, "Oh, um, creators are the next celebrities." I'm like, you've skipped a step. Podcasters are the next journalists.

I mean to work. make a reel is more difficult. No, I think just a bro, photo. Yeah, I, I think Instagram simple. should be repurposed content for anyone, and YouTube should be your kingdom, and Twitter should be your paradise. That's it. If 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 that is how you want to think about it, I think mm. the one more okay, one liner. The addition is you need to set up content architecture in a way such that reels or for that matter short content which suck the soul out of you are created without you trying. Yeah, 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 yeah. yeah. If repurposed. If you. थिंक पॉडकास्टर्स का एरिटी क्या है जब प्लेटफॉर्म्स सपोर्ट कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट को तो अपनी बात की जो बात तुमने ऑलरेडी कर ली है जो तुम्हारा मेन कॉन्टेंट है उससे निकाल लो अलग से बनाओगे कितनी बार बनाओगे पर लोग बना लेते हैं बट देन ऑल्सो द नेक्स्ट मूव इज लाइक ग्रो दे टू ओ टी टीज दे ऑल इवेंचुअली रियलाइज आई वॉन्ट टू बन एक्टर और एन एक्ट्रेस और कोई तरीका ही नहीं वट यू डू देर इज नो और सो वट वी आर गेटिंग एट इज द इन्फेन्सी ऑफ द क्रिएटर इकानोमी ओवरऑल अब फॉर इंस्टेंस नेक्स्ट ईयर वन रिसेशन हिट्स दिस ईयर नेक्स्ट ईयर i want to see how many finance creators remain and i'm speaking as a purely like i work in the content economy i know i think there'll be much more now no bro as a matter of fact because money is short yeah. and brands are not funding you to make the same content on eight different channels bro right. finance creators you got <laughs> problem can you actually you're thinking the perspective of brands but i'm thinking of the perspective of supply and demand where,

पर वो रियल कॉन्टेंट है कि मैंने पैसे symptom, मैं बता रहा हूं रियल वेन आई आस नीरज अबाउटनबर्ग टू दिटेस रिपोर्ट क्या दिस इज माई इमरफेट ओपिनियन बट दिस वॉट आई बेस माई जजमेंट ऑन विच इज वाई मेरे को लगता है जो प्रैक्टिशनर होते हैं क्राफ्ट के स्टार्ट थी मचर क्राफ्ट दे गो दे बिकम मिड एड नॉट एज गुड राइट यूर ए राइटर यूर chief job is to write but you're known for talking about your writing all the time you're known for your interviews eventually you become a bad writer same with anything else right i can see that like cricketers doing ads become more advert friendly than cricket friendly exactly exactly because <laughs> at some point you realize ki, bro is this marketing even helpful to me yep mm -hmm. na? am i better off like making more money and saying less things you know what i mean i know what you mean it's been great having you guys on जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है अभी <laughs> इसमें तो नहीं एंड कर रहे हैं हम <laughs> बिल्कुल नहीं कर रहे है। नहीं बोल फ्रिये फ्री मेरे को ऐसा लगता है भाई ये जो कार्यक्रम बकचोदी शुरू हुआ था आज एक्चुअली बहुत मजा आया बक्चौदी कर रहे बहुत समय के बाद आई वॉन्ट टू डू लाइक जस्ट फ्रेंड्स ओनली हैव फन